गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले यार 200K हमें कंप्लीट जल्दी से कराओ। जो जो न्यू बंदा आ रहा है इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल। अब आते हैं अपने इंट्रो पे। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो का टाइटल बताने से पहले, अगर आप हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार अब आते हैं इस पे। तो मतलब ऐसे 5 कंट्रीज जहां पर हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा जहां पर हिंदूज रहते हैं, ऐसे 5 कंट्रीज मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे तो मेरे ख्याल में इंडिया का ही पता है जहां पे सबसे ज्यादा है। तो अभी और कौन से कंट्रीज वो देखेंगे पहले। इंडिया तो मेन हब है ना। तो चैनल का नाम क्या है? साइंटिफिक हिंदू का वीडियो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 शक्तिशाली देशों में जहां हिंदू धर्म फैल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से देश हैं। भारत की बात करें तो यहां किस तरीके से हिंदुत्व और हिंदुत्व को लेकर जो अपनी आवाज उठाते हैं उन पर लगातार हमला होता रहता है, या यूं कहा जाए कि भारत में हिंदू धर्म को मिटाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे विदेशों में आखिर हिंदू धर्म के बारे में लोग क्या सोचते हैं। हिंदू विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लिखित इतिहास की माने तो यह 10,000 वर्षों से भी पुराना है, लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों को आधार माना जाए तो इस सभ्यता की उत्पत्ति 1,00,000 वर्षों से भी पहले हुई। हिंदू धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म है। इसे मानने वाले ज्यादातर लोग भारत उपमहाद्वीप में निवास करते हैं। इस संस्कृति को मानने वाले लोग ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में ही रहते हैं। इन सब के बावजूद भी आज विश्व के 5 शक्तिशाली देशों में सनातन धर्म की आत्म शांति व विश्व शांति के संदेश की वजह से इसका विस्तार हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं वह देश। पहले देश की बात करें जिसका नाम है रूस। रूस विश्व का एक अदृश्य सुपर पावर है, यह सभी जानते हैं, और वह भारत का मित्र भी रहा है। यह गुप्त रूप से पूरी दुनिया को चलाता है। यहाँ ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन अब तेजी से उनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बड़े ऊंचे पैमाने पर कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम की संस्था का भी स्थापना किया है, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्ण के दिए गए संदेश को फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के ही आधार पर उन्होंने रूस में वृंदावन की स्थापना भी की है। यह बात आप गूगल पर भी वेरीफाइड कर सकते हैं। दूसरे देश की बात करते हैं जिसका नाम है ब्रिटेन। जिस देश ने भारत पर आक्रमण कर छल और बल से उसे 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर लूटा, अंततः वहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। यह विस्तार किसी प्रकार के आक्रमण और दबाव की वजह से नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के माध्यम से हो रहा है। तीसरे देश की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका खुद को लोकतांत्रिक देश मानता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है वह यह जाहिर करने से पीछे नहीं हटता कि वह क्रिश्चियन देश है। लेकिन आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हिंदू प्रवासियों की वजह से हिंदू धर्म का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहाँ हिंदू आबादी करीब 33,00,000 से अधिक है। यहाँ के लोग भी सनातन धर्म के आकर्षण से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो यहाँ पर चाहे वह राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप, वह दोनों हिंदू समुदाय को लुभाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में हिंदू आबादी भी बहुत अधिक है और इस वजह से अमेरिका के अधिकतर लोग हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं। अब बात करते हैं चौथे देश के बारे में जिसका नाम है सूरीनाम। इसे सैन्य रूप से ताकतवर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ भी सनातन धर्म अपने पांव शांति से पसार रहा है और काफी तेजी से यहाँ पर हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू धर्म फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह हिंसक नहीं है और हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य रहता है, और वह है विश्व में शांति की स्थापना करना। और हमारा इतिहास रहा है कि हमने किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया। पांचवें देश की बात करें जिसका नाम है गयाना।
गयाना या गुयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इसका आधिकारिक नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी मध्य भाग में है। यहाँ भी हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें अफ्रीकी लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। आपके अनुसार किस देश में हिंदू धर्म काफी तेजी से फैल रहा है, यह बात आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। दोस्तों मेरा सहयोग करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर लें। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आप लोगों ने इनका चैनल सब्सक्राइब करना। तो यार मैंने तो मतलब सोचा था मतलब इंडिया और मतलब ये नेपाल में भी, नेपाल भी हिंदू माइंड में मेरा था कि नेपाल, लेकिन अबे रशिया अमेरिका इधर इतना तेजी मतलब तेजी से फैल रहा है इन कंट्रीज में। और मतलब हाई मतलब के इनकी जो वो है ना पीपल, रशिया भी मतलब वो वाला कंट्री है ज्यादा एथियस्ट वगैरह और ये वही है मतलब क्रिश्चियन कंट्री है, ऑर्थोडॉक्स है सारे उधर क्रिश्चियन और एथियस्ट भी है मतलब वहाँ पे। एथियस्ट तो यार मतलब तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है दुनिया में, तीसरे के चौथे नंबर पे। मतलब पहले नंबर पे वो क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है, फिर हिंदुइज्म है, फिर चौथे नंबर पे मेरे हाल में एथियस्ट। अच्छा है। और अब आते हैं इन पे यार मतलब इतना तेजी से बढ़ है, जहरी बात यार हर रिलीजन की हम रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, और जो हर रिलीजन है वो सिखाता है प्यार मोहब्बत। हर सही बात है, हर रिलीजन प्यार मोहब्बत। ये यहाँ के लोग होते हैं कि लोग उसको किस तरह से वो अपनाते हैं, मतलब बुरे काम मतलब आगे वो फिर को लोगों ने अपनी अपनी दुकान खुद खोली है, वो आप समझदार हो आगे बिल्कुल। और जिस तो आप आते हैं मतलब हमें इतना इसका आइडिया नहीं था कि वजात मतलब इन कंट्रीज में ज्यादा बढ़ रहा है सही में, जो पावरफुल कंट्रीज मतलब अमेरिका तक में इतना तेजी। और लोग ये नहीं है कि कोई इनको वो जोर दे रहे कि तुम लोग करो, मतलब कि वो उनसे प्रभावित होके वो लोग कर रहे हैं। मतलब वो याद नहीं कोरोना में वो जो नमस्ते जो चला था पूरे वर्ल्ड में चल पड़ा था नमस्ते, वो तो सारे बड़े बड़े वो जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर्स वो कर रहे थे दूर से नमस्ते। बिल्कुल वो प्रिंस चार्ल्स था, अच्छा अमेरिका का ट्रंप था, मैक्रोन था, काफी लोग थे यार बिल्कुल। और मतलब आगे की बात है कि मतलब कि यार देखें रिलीजन मतलब सही है, बढ़ रहा है ठीक है, और बकाया जो मतलब जिस तरह लोग शिफ्ट हो रहे हैं मतलब अफ्रीका में वो जो नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका यार मतलब लोगों को जो मतलब पीसफुल लगता है उधर शिफ्ट हो जाता है बिल्कुल मतलब आपके जिस पे खुल जाती बिल्कुल। अब कुछ हिंदूज होते हैं क्रिश्चियंस में भी शिफ्ट हो जाते हैं, मुस्लिम्स में भी क्रिश्चियंस में शिफ्ट हो जाते हैं, क्रिश्चियन हिंदूज मुस्लिम्स इस तरह शिफ्ट रिलीजन जिनको मतलब पसंद आता है वो कर जाते हैं। मतलब एक टाइम होता है जहाँ पे वो लगता है बंदे को कि मतलब ये वाला मेरे लिए ठीक है, और ये मतलब सच्चा मुझे लग रहा है तो ये मेरे लिए ठीक है, ऐसी होता है। और मतलब हर रिलीजन की यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट है हर एक रिलीजन के लिए, क्योंकि हर एक अपना अपना मानना होता है और हर एक दिल से हम सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई बुरा भला किसी के बारे में ना बोले। तो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स की उम्मीद है आप लोगों से, नीचे कॉमेंट सेक्शन अच्छे अच्छे इस बारे में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सब्सक्राइब।